हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम FI BCom फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं। हमने टॉपिक लिया अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। आज जो सम करेंगे, सम नंबर 3 करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो प्लीज बच्चों आई बटन आएगा वहां से चेक करें। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से करेंगे तो आपको सम समझ। वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, लेजर इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2 में सब डिटेल दिया है मैंने, तो ऑर्डर वाइज वीडियो चेक करेंगे तो आपको सम समझ में आएगा। आज का सम वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है इंटरेस्ट के ऊपर। तो प्लीज बच्चों वीडियो एंड तक देखना विदाउट स्किप करके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन है, मिस्टर एम परचेज बस फ्रॉम मिस्टर क्यू फॉर 1,60,000 अंडर हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2012। तो एम परचेसर बन गया, क्यू वेंडर बन गया और एसेट्स आपका बस है। कैश प्राइस विदाउट एनी इंटरेस्ट, यानी इसके अंदर ब्याज नहीं है, तो इसकी कीमत 1,60,000। मगर आप हायर परचेस में परचेस कर रहे हो, यानी इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हो, और डेट आपका जो है 1/1/2012। द अमाउंट पेबल इज 40,000 ऑन 1/1/2012। आपने जिस दिन खरीदा उसी दिन जो पेमेंट करते हैं उसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं। तो डाउन पेमेंट आ गया 40,000। ऑन एंटरिंग द एग्रीमेंट एंड बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 50,000 ईच प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और जो इंस्टॉलमेंट है यहां पे बच्चों थोड़ा सा समझना है आपको कि वो इंस्टॉलमेंट 50,000 ईच बोला, यानी 3 साल तक 50,000 देना है आपको। मगर ये लाइन आपको ऐड कर दिया उसने कि भाई इस इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट भी हर साल का ऐड करके बताना है। जो मेरे प्रीवियस दो सम थे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, उसमें इंटरेस्ट के बारे में ऐसा कोई डिटेल नहीं था, तो हम इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट में ऐड नहीं करते थे। मगर ये सम में आपको इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऐड करके इंस्टॉलमेंट बताना है। सपोज आपका पहले साल का इंटरेस्ट आया 2,000, तो पहले साल का इंस्टॉलमेंट अमाउंट बनेगा 52,000, 50+2 यानी 52,000। तो इसीलिए सम इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो एंड तक प्लीज वीडियो देखें विदाउट स्किप करके। फिर अगला डिटेल है डेप्रिसिएशन के बारे में। इन्होंने 10% दिया हुआ है, मेथड का नाम है WDV मेथड। उनका क्वेश्चन है, एसेट्स अकाउंट यानी बस अकाउंट बनाइए, क्यू अकाउंट यानी वेंडर अकाउंट बनाइए, इन द बुक्स ऑफ एम यानी परचेसर के बुक में आपको एसेट्स अकाउंट बनाना है और वेंडर अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोट बनाते हैं हर सम में। तो इस सम में भी नोट बनाएंगे, डिटेल्स पूरा कॉपी करेंगे। तो नोट आप देखें यहाँ पे कि कैश प्राइस 1,60,000 है, जनवरी को आया है 2012 में, डाउन पेमेंट 40,000, इसका भी डेट सेम रहेगा। इंस्टॉलमेंट पहला 50,000 यानी 50 तो नहीं रहने वाला है, आपको इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है, तो ऐड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन 10% दिया वो लिखा है मैंने यहाँ पे, WDV मेथड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे सम में कहीं नहीं दिया बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो आपको एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनानी है। वैसे तो हम डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बनाते हैं, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बनाते हैं, मगर इस सम में एक वर्किंग नोट और बनानी पड़ेगी इंटरेस्ट ढूंढने के लिए। तो अब इसी को समझना है आपको इस सम के अंदर। तो पहला वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चों आपको यह याद करना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेस प्राइस माइनस कैश प्राइस। कैश प्राइस तो आपको 1,60,000 समझ में आ रहा है, ये दिया हुआ है 1,60,000, मगर ये हायर परचेस प्राइस क्या है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, पहले उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हायर परचेस प्राइस का फॉर्मूला है डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। तो आपका डाउन पेमेंट कितना बच्चों, 40,000 प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट यानी 50,000 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो यहां लिख लेते हैं 40,000 प्लस 50,000 इंटू 3, तो 50 इंटू 3 1,50,000 बना। 1,50,000 में 40,000 प्लस के, तो आपका हायर परचेस प्राइस आ गया 1,90,000। तो हायर परचेस प्राइस आ गया है तो अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपको इंटरेस्ट फिगर मिल जाएगा। हायर परचेस प्राइस 1,90,000 माइनस कैश प्राइस 1,60,000, यहां लिख लेते हैं। तो बच्चों आपका इंटरेस्ट आया 30,000, ये आपका टोटल इंटरेस्ट है पूरे तीनों साल का। तो आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, सेकेंड का कितना है, थर्ड ईयर का कितना है, ये ढूंढना है। और बच्चों कॉमन सेंस ये बोलता है कि भाई फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सेकेंड ईयर का उससे कम होगा, थर्ड ईयर का उससे भी कम होगा।
तो अब इस 30,000 को इनके साल में डिवाइड करना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे और रेशो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो जब भी आपको जिस तरह से इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा तो आपको रेशो बनाना पड़ेगा बच्चों, और रेशो साल के हिसाब से बनता है। तो ये छोटा सा एक कॉलम बना ले, ईयर लिख ले 1 2 3। अब रेशियो क्या करना है आपको, रिवर्स करना है बच्चों। अगर 3 पे एंड हो रहा है तो 3 से शुरू करें, 3 2 1। अगर बच्चों 4 साल होता तो 4 3 2 1। तो साल के हिसाब से आपको रेशियो करना है। तो ये रेशियो मिल गया आपको, और रेशियो का बच्चों टोटल करें, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 आ गया, ये आपका टोटल रेशियो आया। और आपका टोटल इंटरेस्ट जो है वो 30,000 आया, वो भी यहां लिख ले। अब इस 30,000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो रेशियो में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 30,000 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ गया 5,000। इस 5,000 को अब इनके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5,000 × 3 15,000, 5,000 × 2 10,000, 5,000 × 1 5,000। तो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 15,000, फिर 10,000, फिर 5,000। तो आपको ये बाइफिकेशन मिल गया। तो ये वॉकिंग नोट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको। कभी भी इंटरेस्ट अगर नहीं दिया क्वेश्चन में परसेंटेज, तो आप इस तरह से इंटरेस्ट ढूंढे टोटल, फिर इसको रेशो दें। रेशो याद रखें, 3 साल है तो 3 2 1, 4 साल है तो 4 3 2 1, फिर टोटल कर लें रेशो को, उसको टोटल इंटरेस्ट से डिवाइड करें, और जो आंसर आया उनके रेशो से मल्टीप्लाई कर दें। तो यानी आपको इंटरेस्ट मिल गया 3ों साल का। और बच्चों ये इंटरेस्ट कहा गया था प्लस करना है आपको इंस्टॉलमेंट में, यानी जो पहला इंस्टॉलमेंट है 50 का नहीं है, इसके अंदर 15,000 प्लस करेंगे तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट बन गया 65,000। फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट था 10,000, वो प्लस करें तो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट बन गया 60,000। उसी तरह से 5,000 थर्ड ईयर में ऐड करेंगे तो आपका इंस्टॉलमेंट बन गया 55,000। और एक चीज बच्चों, जब इस तरह से कैलकुलेशन आए हुए, इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया हुआ और आपको इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट में प्लस करना है, तो उस वक्त आपको हायर परचेस प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1,90,000 जो है। इसलिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन जो हमारा वर्किंग नोट है इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट का, वो कैलकुलेशन अब 1,90,000 से होगा, ना कि 1,60,000 से। बेसिकली हर सम में हम लोग 1,60,000 से ही करते हैं, यानी कैश प्राइस से करते हैं, ये सम में हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था और इंस्टॉलमेंट को इंटरेस्ट के साथ प्लस करके बताना है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसलिए सम में पहले ही बताया था मैंने आपको। तो अब इसको चलते हैं सम की तरफ, हमारा वर्किंग नोट बनाने के लिए। तो पहला वर्किंग नोट हमेशा हम बनाते हैं इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के लिए, तो डिटेल भी यहाँ ले ले। तो पहले आपको कैश प्राइस से शुरू करना होता है, मगर ये सब में मैंने क्या बोला था, हायर परचेज प्राइस से शुरू करेंगे। तो आपका हायर परचेज प्राइस 1,90,000, तो वो लिख लें, डेट वही रहेगी 1 जनवरी। और फिर हमेशा सेकेंड होता है हमारा लेस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट दे दिया 40,000, और डाउन पेमेंट की डेट भी हमेशा क्या रहती है, कैश प्राइस वाली, माइनस कर लें 1,50,000 आया बैलेंस। अब बच्चों पहले साल का इंटरेस्ट निकालना है, वो निकालने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी निकाल दिया 15,000, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं ऐड इंटरेस्ट 15,000। और फर्स्ट ईयर का लास्ट डेट रहेगा 31 दिसंबर, 15,000 1,50,000 में प्लस किए तो आया 1,65,000, ये 1,60,000 में। अब इंस्टॉलमेंट माइनस करना है पहला वाला, तो 50,000 नहीं बच्चों, कितना 65,000, तो वो माइनस करते हैं लास्ट डेट पे, तो आपका बैलेंस आ गया 1,00,000। तो ये इंटरेस्ट फिगर पे ध्यान देना है और ये इंस्टॉलमेंट पे भी ध्यान देना है। प्लस इंटरेस्ट बोला था तो प्लस इंटरेस्ट वर्ड आएगा बच्चों, तो याद रखें इंस्टॉलमेंट में प्लस करके बताएं। एनी ऑफ फर्स्ट ईयर मुकम्मल हुआ, चलते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपको वापस से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 10,000 दिया ऐड कर लेते हैं। सेकेंड ईयर का डेट याद रखें, 12 शुरू किए तो सेकेंड ईयर 13 होगा, बैलेंस आ गया 1,10,000। इसमें आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस होगा 50 नहीं बच्चों, कितना 60,000, लास्ट डेट 31 दिसंबर 2013, 60,000 बैलेंस 50,000 आ गया। सेकेंड ईयर मुकम्मल, अब चलते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पहले 5,000 ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, या और थर्ड ईयर याद रखें 2014 आ गया, अब तो 55,000 बैलेंस आया। बैलेंस में लास्ट इंस्टॉलमेंट 55 का है, वो भी माइनस करें तो आपका आंसर आ गया नील। ठीक है,
तो ये इंटरेस्ट ऐड होने की वजह से इंस्टॉलमेंट बदल गया, और इंस्टॉलमेंट मैंने बोला अगर फिगर अलग अलग आता है तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस क्या होता है, नील। एनी हाउ वर्किंग नोट नंबर टू भी कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड था, डब्ल्यू डी वी। और हमेशा मैंने देखो तीनों नाम बताया आपको, तीनों में से कोई भी नाम देता है क्वेश्चन में तो प्रोसीजर वही है, यानी डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम होते जाएगा, यानी बैलेंस के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ले ले, और बच्चों यहाँ कॉस्ट प्राइस ही लेना है, मशीन की असल कीमत कितनी थी 1,60,000 ही लेना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बोले 1,90,000 ले लेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब निकाला जाता है तो असल भाव पे निकाला जाता है। ये 1,90,000 क्या है, पूरा कैलकुलेशन के साथ है, तो हमको वो 1,90,000 की जरूरत नहीं है, हमें असल भाव लिखना है, असल भाव 1,60,000। ठीक है, तो सामने वाला ये नहीं पूछता कि ब्याज क्या है, डेप्रिसिएशन क्या, उसको कोई लेना देना नहीं है। आपको एसेट जो आपके हाथ में है उसकी असल कीमत 1,60,000 है, उसमें इंटरेस्ट वगैरह आपको प्लस करके नहीं बताना है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आप डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, परसेंटेज है 10%, तो 1,60,000 का 1 0 छुपा दें, 16,000 WDV यानी बैलेंस आ गया 1,44,000। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, तो सेकेंड ईयर का ओपनिंग। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है, 1,44,000 पे ही निकालना है, क्योंकि WDV मेथड है। अगर ये FIM SLM मेथड होता तो उस केस में फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या रहता बच्चों, 16,000। थर्ड ईयर का भी डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना रहता, 16,000, मगर वो मेथड नहीं कर रहे हम लोग, WDV कर रहे हैं, तो आपको बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 1,44,000 का 10% कम आता है 14,400, फिर बैलेंस आ गया 1,29,600। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, थर्ड ईयर का ओपनिंग। अब इस पे भी डेप्रिसिएशन निकालते हैं, 1,0 कम यानी 12,960, बैलेंस आ गया है 1,16,640। ठीक है, अपना मेन काम हो गया है, कैलकुलेटिव पार्ट पूरा हो गया है, अब लेजर तो आपको खाली फिल इन द ब्लैंक ही रह गया है, आपको खाली अमाउंट पोस्ट करना है, बैलेंस वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहीं से बैलेंस सब आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन याद रखें, प्लस इंटरेस्ट आता है तो ये इस तरह से करना है, और इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो आपको रेशियो के मदद से निकालना है, फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, उस फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकाले फिर उनको रेशियो में बांट दें। और ये ऐसे सम रहेंगे तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे हायर परचेज से होगा, और डेप्रिसिएशन तो आपको कैश प्राइस से ही निकालना है। तो अब चलते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ, मेन जो उन्होंने बोला था कि भाई आप एसेट्स अकाउंट बनाओ और वेंडर अकाउंट बनाओ, तो एसेट्स अकाउंट के लिए आपको वर्किंग नोट लगेगा डेप्रिसिएशन वाला, इसी से शुरू करना है। आप परचेजर हो, आप कस्टमर हो, आपने बस खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने का खरीदा था, 1,60,000, वो यहां लिख लेते हैं, और किससे खरीदा था, क्यों से खरीदा था। एक्चुअली जनरेटी क्या बनती है बच्चों, एसेट परचेज ऑन क्रेडिट की, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो इसलिए यहाँ पे आपको नाम लिखना है क्यू का। एनी हाउ फर्स्ट ईयर का एसेट्स आ गया है, अब फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट डेप्रिसिएशन है यहाँ पे वर्किंग नोट में, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और डेप्रिसिएशन हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में। डेट याद रखें 31 दिसंबर 2012 लास्ट डेट रहेगा। तो अब आपका क्रेडिट बढ़ा 1,60,000, दोनों साइड लिखें, 1,60,000 में से 16,000 माइनस करें तो बैलेंस आ गया 1,44,000। बैलेंस हमेशा लास्ट डेट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बच्चों मैंने देखो आपको पहले ही कहा था कि कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वर्किंग नोट का कैलकुलेशन कर दिया है, तो आप यहाँ देखें नीचे देखो बैलेंस कितना है फर्स्ट ईयर का, 1,44,000 ही आया ना, और यहाँ पे भी कितना है 1,44,000, यानी आपको सेकेंड ईयर का बैलेंस आने वाला है कितना आने वाला है 1,29,600, थर्ड ईयर का बैलेंस कितना आने वाला है 1,16,640। तो इसीलिए वर्किंग नोट बन गया, तो आपका आपको यहाँ कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो फर्स्ट ईयर बंद हो गया, अब सेकेंड ईयर में जाते हैं। पहले कैरिड डाउन हुआ था उसको ब्रॉड डाउन करते हैं ऑन अपोजिट साइड। 31 दिसंबर 2012 है तो ओपनिंग डेट होगी 1 जनवरी 2013, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,44,000। अब सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिखना है 14,400 क्रेडिट साइड, फिर बैलेंस कितना आएगा बच्चों, कितना बताया था मैंने 1,29,600, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, और फिर टोटल भी लिखेंगे 1,44,000, दोनों साइड लिखेंगे। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग कैरी डाउन इसको कर देते हैं ब्रॉड डाउन थर्ड ईयर में 1 जनवरी 2014, और थर्ड ईयर को भी बंद करने से पहले डेप्रिसिएशन की एक एंट्री पास करते हैं 12,960 क्रेडिट में, तो थर्ड ईयर का बैलेंस लिख लेते हैं 1,16,640, और टोटल तो ये रहेगा 1,29,600।
तो इस तरह से अपने एसेट्स अकाउंट मुकम्मल किया। अब चलते हैं वेंडर अकाउंट की तरफ, और वेंडर अकाउंट के लिए हमारा सेकंड वर्किंग नोट लगेगा ये वाला, इसके बेस में करना है वेंडर यानी दुकानदार। तो और ये पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाते चले, एंट्री पास करते चले, जितनी भी एंट्रियां यहाँ पे सारी एंट्री आएंगी ईयर वाइज आएगी ये बच्चों याद रखना, और सिर्फ ये जो बैलेंस बैलेंस दिख रहा है इसकी एंट्री नहीं आएगी, बाकी सारी एंट्री पास करेंगे। तो पहला फर्स्ट ईयर मुकम्मल करते हैं यहां से यहां तक। तो वेंडर भाई ने जो आपको एसेट दिया वो 1,90,000 का दिया था, कैश प्राइस जो है यानी हायर परचेज प्राइस। तो ही इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेट यही लिखेंगे, बाय बस अकाउंट एसेट नाम लिखना है आपको। और फिर आपने उसको डाउन पेमेंट दिया वेंडर को, ही इज अ रिसीवर, तो ये 40,000 डेबिट में आएगा, और पैसा दिया था आपने, चेक फॉर्म में देते हैं इसलिए आप बैंक लिखते हैं, डेट याद रखें ये सेम डेट डालेंगे। और फिर अगला डेट आता है 31 दिसंबर 2012 को, 15,000 का ब्याज है। ब्याज क्यों के लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम है इनके, क्योंकि इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है और इंटरेस्ट अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा 15,000, डेट याद रखें 31 दिसंबर 2012 15,000। फिर अगला एंट्री आता है इंस्टॉलमेंट 65,000 आप पेड कर रहे हो वेंडर को, तो वेंडर क्या हो गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पेमेंट कैश में गया है यानी चेक के थ्रू, तो आप बैंक लिखेंगे, डेट याद रखें 31 दिसंबर टू बैंक अकाउंट 65,000। तो पहला साल मुकम्मल हुआ और कोई एंट्री है ही नहीं, फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट पे खत्म होता है, तो इसको क्लोज करें। तो आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है तो ये आता है 2,05,000, दोनों साइड लिखें, इस 2,05,000 में 1,05,000 माइनस करें तो बैलेंस आएगा, बैलेंस कितना आएगा बच्चों, 2,05,000 में से 1,05,000 गया तो 1,00,000 ही बैलेंस आएगा। और मैंने बोला था कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, तो यहां देखोगे आप, यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर का बैलेंस कितना है आफ्टर इंस्टॉलमेंट, 1,00,000 यानी 1,00,000 ही आया। तो इसलिए बोला था आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सब हम कॉपी पेस्ट करने वाले। एनी और बैलेंस का डेट लास्ट डेट 31 दिसंबर 2012, कैरी डाउन को करना पड़ेगा ब्रॉड डाउन अपोजिट साइड, 31 दिसंबर के बाद आती है 1 जनवरी 2013, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,00,000। तो अब चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ, वर्किंग नोट में है सेकंड में है इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, दो ही एंट्री आएगी। पहले इंटरेस्ट लिखेंगे 2013 को 10,000, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट आता है, और इंस्टॉलमेंट आप पेड करते हो यानी डेबिट साइड 31 दिसंबर 2013 60,000। तो सेकेंड ईयर भी मुकम्मल हुआ, क्लोज करें, क्लोज करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा बच्चों, 50,000 ही आने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे 1,10,000 है, दोनों साइड लिखें, 1,10,000 में 60 गया तो कितना है, 50,000 ही आया, यही फिगर आने वाला है आपका। तो सेकेंड ईयर का बैलेंस आ चुका है, कैरी डाउन 50,000, इस कैरी डाउन को करते हैं ब्रॉड डाउन अपोजिट साइड 1 जनवरी 2014, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000। तो थर्ड ईयर में भी आ जाते हैं वर्किंग नोट की तरफ, पहले इंटरेस्ट है फिर इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट क्रेडिट में 5,000 31 दिसंबर 2014, और फिर इंस्टॉलमेंट आपका डेबिट साइड 31 दिसंबर 2014 55,000। और फिर आपको कोई एंट्री ही नहीं, क्लोज करना है बच्चों। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में हमने थर्ड ईयर के बाद बैलेंस नील लिखा है, यानी यहाँ पे भी बैलेंस नील मतलब टैली होना चाहिए, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आना चाहिए। तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड में भी 55 है और डेबिट साइड में भी 55 है, यानी दोनों साइड टैली होता है, बैलेंस कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद तो कोई रिलेशन नहीं रहेगा परचेजर और वेंडर का, पूरा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, इसीलिए बैलेंस नहीं आता है। ठीक है, पूरा सम एक बार देख लें आप लोग। तो ये पूरा सम रहा हमारा एसेट्स अकाउंट और वेंडर अकाउंट, फिर से बोल रहा हूं, अगर लेजर परचेसर के बुक में पूछा है तो आपको एसेट और वेंडर अकाउंट बनाना है, और अगर लेजर आपको वेंडर के बुक में पूछा है तो आपको इंटरेस्ट अकाउंट और परचेसर अकाउंट रहता है। तो हमारा हमने दो क्वेश्चन ना परचेसर के बुक में बना दिया, तो इंशाल्लाह जब हम अपना नेक्स्ट सम करेंगे ना, तो वो इन द बुक्स ऑफ वेंडर करेंगे, ताकि आपको उनका भी लेज़र समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, पूरा वीडियो देखें, उसको समझें, और वीडियो समझ में नहीं पॉज करके रिवाइंड करें, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट था इंटरेस्ट प्लस करके, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया था, तो आप प्लीज वर्किंग नोट और इंटरेस्ट का याद रखें किस तरह कैलकुलेट करना है। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।